आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन 1 है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, डिटर्मिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। सबसे पहले इसमें जो डायमेंशंस दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर लॉन्ग, विड्थ दे रखी है 1.25 मीटर और ये जो डीप है 65 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर, और जो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी शीट का जो मेजरिंग है वो 1 मीटर स्क्वेयर है। तो देखो मीटर मीटर और यहाँ पे मीटर स्क्वेयर, तो हम इसको चेंज करेंगे, इस सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एक इंपॉर्टेंट इसमें ये पार्ट है, इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप। तो सबसे पहले आप प्लास्टिक बॉक्स बनाओ, ये कौन सी शेप होगी, क्यूबॉइड। अब इसने हमें ये बोला, कहता है इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, मतलब ये वाले एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसने यही बोला ना, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, तो इसमें तो शीट लगेगी नहीं क्योंकि ये तो ओपन है, तो बचा क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस हमारा बेस, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप लिखोगे लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, वन पॉइंट फाइव मीटर, विड्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स ये दिया हुआ है 1.25 मीटर। मैं इसमें भी शो कर देता हूँ, ये है हमारी लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है। विड्थ हमें दे रखी है 1.25, ये हमारी विड्थ होगी ये वाला पार्ट, और हाइट ये है। अच्छा ये कितनी दे रखी है, 65 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये डेप्थ कह रखा है, डेप्थ बोलो या हाइट बोलो एक ही बात है, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर जो ये चीज़ डेप्थ ही तो होती है और ये चीज़ हमारी हाइट भी होती है, ठीक है। तो इसको हम एच भी बोल सकते हैं या ये डेप्थ के लिए डी शो कर दो। डेप्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स कितनी है, 65 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ मीटर है या मीटर, तो इस सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा, 65/100, तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ गई, 0.65 मीटर। अब उसने ये बोला कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, देयर फोर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब आगे वाली फ्रंट वाली साइड, अभी ये बेस वाली नहीं ली मैंने, तो वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स L+B × H। अब उसने ये बोला, ये तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया आया, और उसने ये बोला कि सिर्फ ओपन कहाँ पे है, टॉप पे, तो टॉप वाली साइड को तो मैं इंक्लूड करूँगा नहीं, पर ये वाली साइड तो इंक्लूड करूँगा बेस, तो ये क्या होगा, LB, तो +LB। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने, 2 टाइम्स L+B, एल प्लस बी कितना है, 1.5 + 1.25, एच कितना है, 0.65, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1.5 × 1.25, ठीक है। अब देखो 1.5 और 1.25 यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, मैं ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ डेसिमल के बाद, तो मैंने 1.5 को 1.50 लिख लिया, 5, 5 और 2, 7, ये बन गया 2.75, तो ये बन गया 2 × 2.75 × 0.65 प्लस, ये भी वही, अच्छा ये था 2 टाइम L+B और यहाँ पे है L × B, तो इसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1.5 को 1.25 से, डेसिमल हम हमेशा बाद में लिखेंगे, आप बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1875। अब देखो यहाँ पे एक डेसिमल थे, यहाँ पे दो, दो और एक टोटल तीन हो गए, तो 1, 2, 3 डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, 1.875, ठीक है। अब देखो मेरे को मल्टीप्लाई पहले ये फर्स्ट वाले पार्ट से करना है,
अब यहाँ पे 2 को 2.75 और 0.65 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर मैं 0.65 को मतलब 65 को 2 से करता हूँ तो मेरे पास आ गया 2 5 10, 2 6 12 और 1 13। अब यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद था? 2 के बाद, क्योंकि 0.65 था, तो 2 के बाद अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 1.3। अब 1.3 को आपको किसके साथ करना पड़ेगा? 2.75 के साथ, ठीक है? तो ये 3 5 15, ये आ गए इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे। अब डेसिमल्स देखो, 2 और 1 3, 1 2 3, तो ये आ गया 3.75। अब 3.575 इसकी वैल्यू आई, प्लस 1.875, ये कितना बना? ठीक है, 5.450 आ रहा है, ठीक है? तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5.45, ठीक है? अच्छा, यूनिट क्या रहेंगे? सारा कुछ मीटर में था, तो एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वेयर में। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर, 5.45 मीटर स्क्वेयर, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 20 है तो 5.45 की क्या होगी? मतलब 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ शीट, ठीक है, क्या होगा? जो एरिया था, एरिया हमारा निकला 5.45, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 20 से। अब देखो, डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, उसको हम बाद में, आपने सिर्फ 5.45 को 2 से करना है मल्टीप्लाई, 0 हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है? जब भी ये 0 आ जाए ना, तो 0 एक साइड पर रख दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 10, 2 4 8 और 1 9, और 2 5 10, मेरे पास ये आ गया कैलकुलेशन। 2 के बाद लगना डेसिमल, 1 2, तो कितने रुपीज़ हो गए ये? 109, ठीक है? ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वेयर। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, उसने कहा लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम की शेप होती है क्यूबॉइडल, ठीक है? क्योंकि रूम के अंदर लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ये हो गया हमारा रूम। अब वो हमें कह रहा है कि रूम में वाइट वॉश करना है। रूम की लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। अब देखो, वॉल कौन कौन सी होंगी? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये जो आगे वाली है फोर्थ, ठीक है?
ये होंगी चार वॉल्स, और कहता सीलिंग, सीलिंग मतलब ये वाला एरिया, फिफ्थ पार्ट। देखो वाइट वॉश फ्लोर पे तो हो नहीं सकता, तो ये वाली साइड तो हमने जो बेस है हमारा वो तो एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो वही सेम चीज़ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सीलिंग। तो जो पहले लिख लो लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम 4 मीटर, हाइट ऑफ रूम 3 मीटर। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। पहले मैं एरिया की बात करूंगा, एरिया ऑफ रूम टू बी वाइट वॉश्ड वो एरिया होगा सी एस से 2 टाइम्स L+B इंटू एच प्लस। अब सीलिंग का एरिया भी तो है, कहता सीलिंग एंड द सीलिंग, रूम के वॉल्स प्लस सीलिंग। अब सीलिंग क्या हो जाएगी, एल इंटू बी। वैल्यूज पुट करो, लेंथ क्या थी 5, ब्रेथ थी 4, और हाइट क्या आ गई 3। एल इंटू बी 5 इंटू 4। अब देखो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और इधर बन गया 20। 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 3 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वेयर। अब बस ये ध्यान रखना कि सारे मीटर में होने चाहिए, यहाँ पे ये भी मीटर में था, ये भी और ये भी, तीनों चीज़ें मीटर में थी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चेंज किया था सेंटीमीटर से मीटर में, तो यहाँ पे हमारा जो ये एरिया आ गया वाइट वॉश वाला वो हो गया 74 मीटर स्क्वेयर। अब उसने पूछा कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो कॉस्ट क्या होगी वाइट वॉशिंग की, जितना एरिया और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है पर मीटर स्केयर, इसका मतलब 1 मीटर स्केयर की जो कॉस्ट आ रही है वो 7.50 है। तो कितना बन गया 74 इंटू 7.5। अगर मैं 7.5 भी लिख दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जीरो लिखने का कोई पर्पस नहीं है, वो वैसे जैसे 7 रुपीज़ 50 पैसा शो करने के लिए किया गया है, तो 7.5 भी एक ही बात है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 74 को 75 के साथ। अच्छा इसकी भी ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की। देखो अगर मेरे को 75 का स्केयर बताए, इस जो भी लास्ट में नंबर 5 आता है उसमें क्या बनता है 25, और 7 इंटू 8 56, तो ये मेरे पास 5625 किसका स्केयर आया 75 का, मतलब 75 को 75 से मल्टीप्लाई किया, तो 75 को 74 से अगर करना है तो 75 माइनस करना पड़ेगा इससे, ठीक है, कितना आएगा 5550। अगर हम वैसे मल्टीप्लाई करें 75 को 74 से, देखो चेक करो 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 0 5 5 5, वही सेम चीज़ आ रही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब कई बच्चों को ट्रिक्स पता होते हैं कि स्केयर्स की, जैसे कि अगर मैं 95 के स्केयर की बात करता हूँ तो बच्चे सीधे ही आंसर लिख देते हैं 9025, ठीक है, क्योंकि क्या करना होता है 5 का स्केयर 25, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 90, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि रफ कैलकुलेशन में टीचर सिर्फ ये देखता है कि मल्टीप्लिकेशन इन्होंने ठीक कर रखी है। कई जगह पे आप ट्रिक अगर यूज़ करते हो बस फेयर में मत यूज़ करना, ये रफ में चल जाएगा, ठीक है। तो 74 को 75 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है 555। अच्छा जीरो साथ में डेसिमल था, एक के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 555। तो हमारी कॉस्ट क्या आ गई 555, ठीक है। हमें यही पूछा गया था वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो अभी हमने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।